योगी ने की पाकिस्तान से तुलना तो फिर अखिलेश यादव का ठन का माथा कह दिया कुछ ऐसा कि सत्ताधारी हो गया बबूला। अखिलेश यादव की आक्रामकता ने कर दी हवा खराब। सवालों के जवाब देने से बच रहे जिम्मेदार और सफाई लगा रहे लंका। सियासी वार पलटवार के दौर में अखिलेश का ये अवतार पहले न दिखा। पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम को दिया दो टूक जवाब। देखिए सीएम ने पाकिस्तान से की थी किसकी तुलना और फिर कैसे अखिलेश ने अपने तेवरों से हिला दिया सिंहासन। सियासत में कटाक्ष का तड़का अक्सर सुर्खियों का पिटारा खोल देता है, लेकिन तुलनाओं की तराजू पर जब किसी को तोला जाता है तो हंगामा हो ही जाता है। ऐसा ही देखने को मिला जब सीएम योगी ने पाकिस्तान का नाम लेकर एक बयान दिया तो फिर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का माथा ठनक गया और उन्होंने दो टूक लहजे में ऐसा जवाब दिया कि सियासी गलियारों में बैठे पावर और नॉन पावर लोगों की हवा खराब दिखी। अखिलेश यादव के तेवरों ने ऐसा कमाल कर दिया कि सपाई भी मैदान में कूद पड़े और फिर एक के बाद एक ऐसे वार किए गए कि सत्ताधारी हवा हो गए। खुद बीजेपी वालों ने ना सोचा था कि अखिलेश यादव और सपा कुछ ऐसा कह देगी। दरअसल वार पलटवार का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 साल से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया और जो कहा उसने हंगामा बरपा दिया। सपा प्रमुख ने करारा पलटवार किया और कहा कि संदर्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर होने की बात कर रहे हैं। तुलना का स्वर्ण नियम, तुलना हमेशा अपने से श्रेष्ठ से करनी चाहिए। दरअसल सीएम योगी ने यह बयान कौशाम्बी महोत्सव 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है जिसकी एक नई तस्वीर हम सबके सामने है। कौशाम्बी बौद्धकालीन परंपरा से जुड़े हुए 16 महाजनपदों में से एक रहा है। रामायण काल में भी भगवान श्री राम ने वन गमन के समय एक रात्रि इसी जनपद में विश्राम किया था। हालांकि इस दौरान सपा विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला भी काफी चर्चा में रहा। इसकी तस्वीर साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने देने के लिए प्रशासन के द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण स्वरूप है। कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जिस अंदाज में जवाब दिया वो बताता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब उबाल देखने को मिल रहा है और सियासी गलियारों में लोकसभा चुनावों की पदचाप साफ सुनाई दे रही है। इसीलिए हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक हो रहा है, जिसकी एक वानगी भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।